ये आ गई केक और अभी बस कटने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, मैंने सारा काम कर लिया है। अब आज खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि आज है हमारे पति देव जी का बर्थडे। तो देखते हैं, आज सोचा है कुछ उनका मनपसंद ही बना दें, कुछ जो उनको अच्छा लगता हो खाने में। तो चलते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं उनके मनपसंद का। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस, मैंने यहाँ पे उबाल लिए हैं आलू और यहाँ पे लगा लिया है आटा, ये देखिए। तो अब हम उनके लिए बनाएंगे आलू की कचौड़ी, जो कि उनको बहुत पसंद है। चलो अब इनको मथ लेते हैं आलू को, इनमें मसाला वसाला डाल के फिर आपको दिखाते हैं अपनी कचौड़ियाँ। देखिए, हमारे आलू हो गए रेडी और यहाँ पे हमने तेल भी चढ़ा दिया है कढ़ाई में। आलू की कचौड़ी तेल में अच्छी लगती है। आप लोग कमेंट करके बताना आप किसकी खाते हैं। मेरे यहाँ तो तेल में खाते हैं सभी। और अभी हम तैयारी कर लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं कचौड़ी। तो गाइस देखिए, ये हमारी बन गई हैं कचौड़ियाँ, ये देखिए। और ये यहाँ पे कढ़ाई में ही पड़ी हुई हैं। तो गाइस देखिए, ये हमारा खाना रेडी है। आप और ये खाने वाले भी रेडी हैं। खाओ, जल्दी बताओ कैसी बनी है। तुम भी बैठो, तुम क्यों खड़े हो, तुम भी खा लो। खाओ, खा लो, आज ताऊ जी का जन्मदिन है तुम्हारे। ताऊ जी का जन्मदिन है इसलिए हमने ये कचौड़ी बनाई है। खा लो, इसको भी खिला दो। खा के बताओ कैसी बनी है, कैसी बनी है। लड्डू को खिलाओ, लड्डू हाय बोलो, लड्डू लड्डू हाय बोलो, हाय बोलो। छोटा सा खिला रहा हूँ अभी, बहुत छोटा है ये तो। कैसी लगी लड्डू, अच्छी है। खा लो और ले लेना, ठीक है। देखो मोबाइल चल रहा है और खाना खा रहा है। देखो भाई, ये हालत है हमारे यहाँ की। स्वागत हमारे ब्लॉग में। आज हमारे पापा का बर्थडे। ये आ गई केक और अभी बस कटने वाली है। ये देखिए, ये खड़ा है, कब केक कटे और इसको खाने को मिले। अच्छा, मुझे खाने को। देखो सभी, ये आ गए बर्थडे बॉय। और क्या, केक कटने वाली है, सभी लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक एक करके। इधर दिखाओ चेहरा, हाय बोलो, हाय हाय बोलो। हाय, काटने के लिए रेडी हो गए हैं। देखो कैसे केक काटी जा रही है। ये रहा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे लगा लो, हैप्पी बर्थडे बेचारा टूट गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज पापा ने काट दिया है। आज तुम्हारी मम्मी का केक खाने का वैसे ही मन कर रहा था, तो इसलिए इनको सबसे पहले केक खिलाते हैं। अरे गुस्सा, क्या तुम्हारा फोन, अब बोलो मत। अब मम्मी पापा को केक खिला रही हैं गाइस। तो आज पापा को दूंगा। चेहरा मिला नहीं ना। इनकी बारी आ गई। अब देखो, देखो कितना मुंह खोला है। देखो देखो, केक खाने के लिए तो सबसे आगे रहता है ये। देखो इसने भी, ये भी कम ना आए। मस्त है। हो गया ताऊ को,
आपको बुला दिया करो। देखिए केक कट गई है पूरी और देखो सब खा रहे हैं। इससे बढ़िया केक नहीं। सब चुपट के खाने पे देखो। भाई जी अच्छे अच्छे केक भेजा जा रहा है। कैसी लगी? सुपर मस्त है। हम भी खा लेते हैं ये केक। आज की केक बहुत अच्छी है। आप भी इंजॉय कर लो दोस्तों। तो गाइज हम आ चुके हैं पटियाली के मंजूर ओम शिव साईं रेस्टोरेंट में और यहाँ पे हमने बर्थडे का पार्टी मनाया। और देखिए ये सबसे पहले हमने मंगाया यहाँ पे चिली पटेटो। ये देख सकते हैं यहाँ पे सब इंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी। और फिर यहाँ पे हमारा आ गया है पिज्ज़ा। ये देखिए ये यहाँ पे पिज्जे में ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल लिया है। अब हम इसको खाएंगे। देखने में बहुत यम्मी लग रहा था। देखिए वहाँ रेस्टोरेंट में भी मोबाइल चला रहे हैं बच्चे। देखिए ये देखिए ये यहाँ पे फिर से मेनू पढ़ने लगे अब क्या मंगाया जाए। ये देखिए और ये वहाँ का रेस्टोरेंट है पटियाली का हमारे। ये यहाँ पे भैया एक और बैठे थे खाना खा रहे थे। ज़्यादा लोग नहीं थे रेस्टोरेंट में, बस हम ही इंजॉय कर रहे थे। अच्छा है रेस्टोरेंट, आप लोग भी जाना। हमें तो खाना बहुत पसंद आया वहाँ का और जो चीज़ हमने मंगाई थी सारी अच्छी आई थी। और ये भैया होटल वाले भैया थे वो अंदर रूम वगैरह दिखाने के लिए ले गए। और फिर हमने यहाँ पे मंगाया अपना डोसा। डोसा भी गैस काफ़ी अच्छा था। और फिर मैंने यहाँ पे उठा लिया पिज्ज़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, देख सकते हैं आप। और डबल चीज़ पड़ी हुई थी गैस इसमें, तो बहुत अच्छा पिज्ज़ा था। हम लोगों ने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया और सभी लोग बच्चों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और रेस्टोरेंट तो अच्छा था ही और वहाँ का खाना भी एकदम यम्मी था। ये देखिए ये सभी लोग इन्जॉय कर रहे हैं। ये यहाँ पे इन्होंने सॉस डाली। मुझे सॉस डाल के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं ऐसे ही खाती हूँ बस मसाले वसाले डले हों। और ये यहाँ पे सभी लोग सॉस डाल के एकदम अच्छे से खा रहे हैं। देखिए मोबाइल चलाता जा रहा है और खाता जा रहा है। ये देखिए हम लोगों ने आज पूरा दिन इतना इन्जॉय किया बहुत ज़्यादा। और एक और बात बताएं, इन्होंने घर पे केक काटी, फिर घर पे केक काटने के बाद फिर इनकी बाहर भी एक और केक कट चुकी थी गाइस।